हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो बॉयमन और मेरा नाम है अमनदीप। सो दोस्तों, आई होप जो मैंने कल को वीडियो बनाई थी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। मेरे एक दो जो खास सब्सक्राइबर्स हैं बाकी ने नहीं किया, तो इसका मतलब आपने या तो देखी नहीं या तो आपको अच्छी नहीं लगी, तो मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों, आज वाली वीडियो में मैंने पहले आपको हाइड्रेशन बैग भी दिखाया हुआ है। हाइड्रेशन बैग कैसा होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है और आपको वो क्यों यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम हाइड्रेशन बैग यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम के लिए यूज़ करते रहते हैं उसको, ज़्यादा वॉश उसको सीधा फिल इन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको पानी को पी लेते हैं और ऐसे रख देते हैं। बट थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, आप जैसे जैसे वो बैग यूज़ करते हो, हाइड्रेशन बैग यूज़ करते हो, उसमें बैक्टीरिया और फंगस डेवलप होना शुरू हो सकते हैं। तो सो दोस्तों, उसके लिए हमको बैग की क्लीनिंग करनी चाहिए। बाहर वाले बैग की नहीं अकेली बात कर रहा हूँ, जो अंदर हाइड्रेशन बैग होता है उसकी भी क्लीनिंग करनी चाहिए। आज मेरे पास स्पेशल एक किट है, उसमें वो पर्टिकुलर टूल्स हैं जिससे आप हाइड्रेशन बैग को क्लीन कर सकते हो। जो उसका हाइड्रेशन ब्लैडर होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप साफ कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं आप दिखाता हूँ सबसे पहले वो कौन सी किट है और आप उसको कहाँ कहाँ से ले सकते हो। सो दोस्तों, ये रही वो हाइड्रेशन बैग की क्लीनिंग किट। जो हाइड्रेशन ब्लैडर है उसको क्लीन करने के लिए ये स्पेशल किट आती है। ये आप डिकैथलॉन से बाय कर सकते हो और बाकी ब्रांड्स भी मैंने आज तक कभी देखी नहीं है, इनके पास ही मैंने देखी है। इससे आप क्लीन कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो आपके पास कुछ टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें एक तो बड़ा वाला ब्रश है और एक छोटा वाला ब्रश है जिसके साथ बहुत ही लंबा स्प्रिंग है। ये आपकी जो हाइड्रेशन ब्लैडर की पाइप है उसको अंदर से साफ करने में हेल्प करेगा। और एक ये एक हैंगर है, जब आप अपना हाइड्रेशन बैग क्लीन कर लोगे तो हाइड्रेशन बैग को इसके ऊपर चढ़ाकर उसको टांगने के लिए बनाएं, ताकि ये आपको ड्राई करने के लिए आसान रहे। अब इसको खोलते हैं। पूरा का पूरा ये सील पैक्ड है और काफ़ी ये ओल्ड वाला है, अभी जो आता है वो अलग टाइप की पैकिंग आती है, ऐसी नहीं आती। तो इसको खोलते हैं, थोड़ी बड़ी खतरनाक पैकिंग है। ये है हैंगर। एक चीज मैंने और मिस कर दी और ये सारी चीजें मैंने निकाल ली है। इसमें एक तो ये हैंगर है, ठीक है, आपके जो हाइड्रेशन ब्लैडर है उसको टांगने के लिए, सुखाने के लिए। और इसमें एक तो ये बड़ा वाला ब्रश है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और एक छोटा वाला ब्रश है जिसके साथ स्प्रिंग है, और उसके साथ एक और छोटा सा ब्रश है ये भी। इसको क्लीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। इसको मेरे हिसाब से क्या होगा, जो आपकी बाइट है, नोजल बोलते हैं उसको साफ करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके ऊपर अब इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। बट हमने यहाँ पे देखा है, जो हमारे पास ब्लैडर है वो हमारे पास इस टाइप का ब्लैडर नहीं है। सो जो ये हैंगर है इसको टांगने के लिए, ये शायद अपने वाले ब्लैडर में उतना ज़्यादा काम ना आए, बट फिर भी हम इसको यूज़ करके देखेंगे। जो नॉर्मल वाटर ब्लैडर होते हैं उसके ऊपर क्या अंदर ऐसे बॉटल कैप लगता है, पर जो हमारे पास है वो स्लाइडिंग वाला है। आपको दिखाता हूँ और हम करते हैं इसकी वॉशिंग शुरू। इसके ऊपर कुछ खास नहीं लिखा, वही लिखा हुआ है अंदर से क्लीन करने के लिए जो नॉर्मल ब्रश है ये बड़ा वाला ये यूज़ करना है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को साफ करने के लिए छोटा ब्रश, और पाइप को साफ करने के लिए जो स्प्रिंग के साथ है ब्रश वो यूज़ करना है, और ये फिर हैंगर होता है। तो दोस्तों, मेरे पास ये वाले, ठीक है, ब्रश ले लिए मैंने। इनको यूज करके हम जो मेरा हाइड्रेशन ब्लैडर है इसको क्लीन करेंगे। मेरे पास ये प्रिल है, प्रिल जिससे हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, इसको यूज करूंगा मैं ब्लैडर को क्लीन करने के लिए। सो दोस्तों, मैंने ये टब ले लिया है क्लीनिंग करने के लिए, और ये ले लिया मैंने अपना हाइड्रेशन ब्लैडर। इसको पहले ऐसे खोल दूंगा, खोलने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। इधर से बड़े ध्यान से पकड़ना है, यहां से पकड़ के निकालोगे ये भी बाहर आ जाएगा। आपने इसको पकड़ना है, इसको थोड़ा सा खोल के ये निकल गया। इसको बोलते हैं बाइट, जब आप इसको बाइट करते हो ये ओपन होता है, और ये है हाइड्रेशन ब्लैडर। अब इधर से पाइप को निकालेंगे हाइड्रेशन ब्लैडर से, थोड़ा सा दम लगाना पड़ा बट खुल गया। पहले तो हम क्लीन करेंगे हाइड्रेशन ब्लैक को, जिसको क्लीन करना आसान रहेगा अपने लिए। फ्रेश वाटर लेना है इसके लिए, नीचे से लीक होने लग पड़ा। इसको ऐसे मैं पकड़ के ऐसे पहले पानी से थोड़ा सा ना वॉश कर लूँगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा प्रिल, थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। बाद में नहीं तो ऐसा होता है, ज़्यादा सोपी सोपी हो जाता है, फिर क्लीन करना मुश्किल हो जाता है।
बट अब मेरे को, मैंने ये निकाल तो लिया बट मेरे को अब लग रहा है इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो यहाँ से निकलेगा, तो इसको वापस मेरे को लगा लेना चाहिए, इसको सबसे बाद में करेंगे क्लीन। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। अब मैं इसमें दोबारा से पानी डालता हूँ और डाल दिया पानी, और अब मैं लूँगा ये बड़े वाला ब्रश, ठीक है, जो बिगर ब्रश है, इसको लेकर इससे साफ करूँगा मैं प्रॉपरली, हर एक तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सारा क्लीन करने की कोशिश करेंगे प्रॉपरली, सारा टाइम लो अपना, पहले अंदर से साफ करना है, बाद में बाहर से करना है। अगर आप रेगुलरली यूज वॉश करते हो अपने बैग को, ठीक है, तो सिर्फ एक बार इसको ऐसे क्लीन करके रिंस कर लो, बहुत है। अगर आप काफी टाइम बाद कर रहे हो तो इसको दो बारी कर सकते हो, अंदर से क्लीन करने के बाद अब बाहर से मैं थोड़ा बहुत साफ कर दूंगा इसको। जनरली ये हम करेंगे अपने किचन में, बट मैं शूटिंग के लिए, किचन में उतनी जगह नहीं होती, मैं शूटिंग के लिए अपने रूम में ही ये सब साफ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। ये क्लीन करने के लिए आप स्कॉच ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर ब्रश पे पैसे खर्चे हैं तो ब्रश ही यूज़ करो ना। क्यों क्यों रिचा? और रिचा भी सुस्ती डालते हुए कहती यो, बिल्कुल। और अब इसको ड्रेन करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक बारी ना शेक भी कर लेंगे हम, ऐसे पकड़ के इसको बीच में डाल दूंगा मैं अब, ठीक है, इसको ऐसे शेक कर लेंगे। शेकिंग बेबी, शेकिंग बेबी। और शेक कर लिया, अब इसको निकाल दूंगा मैं पानी का। सफाई अभियान। और पानी से मैं इसको अब थोड़ा बहुत रिंस कर दूंगा दोबारा, बाहर से लास्ट टाइम है, अंदर से दो बारी और करूंगा रिंस। आप तब तक इसको रिंस करते रहो जब तक आपको ऐसे बबल दिखने नहीं बंद हो जाते। ये देखिए अब बबल दिखने कम हो गए हैं, यानी जो सोप है वो क्लीन हो चुका है इसके अंदर से। अब एक बारी लास्ट बारी मैं और कर दूंगा इसको, और ये देखो अब ये एक साफ हो गया, क्लीन हो गया। इस पे दोबारा से सोप लग गया है, इसको मैं ऐसे पकड़ के इसको एक बारी रिंस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको निकाल लूंगा, पाइप को निकाल लिया, और जो ये वाला हैंगर है, ठीक है, अब जो ये वाला हैंगर है, ठीक है, वो होता है जो वाटर ब्लैडर होता है उसके यहाँ पे छेद होता है, वहाँ से निकालने के लिए बना हुआ है, बट हम टेस्ट करेंगे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब ये मैंने डाल दिया, बट ये नहीं यूज़ हो पाएगा क्योंकि आप इसको बंद नहीं कर पाओगे। चलो फिर भी थोड़ा बहुत साइड पर लगा के थोड़ा सा तो बंद कर देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। पता नहीं कंपनी ने अब ऐसा क्यों बनाया इसको, सिर्फ इस उसी के साथ काम आए, क्योंकि जो बिटवीन के ब्लैडर्स हैं वो आते ऐसे ही हैं, तब ऐसे ही काम चला हुआ है। अब इसको हम टांग देंगे सूखने के लिए। इसको मैंने निकाल लिया, अब इसको भी थोड़ा सा साफ करूंगा, अभी पानी लेके आला। अब इसको मैं क्लीन करूंगा, ठीक है, ये मेरे हिसाब से छोटा सा ब्रश इसीलिए दिया हुआ है शायद अंदर से ऐसे क्लीन करने के लिए, पर लिखा तो हुआ नहीं कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप निकाल भी सकते हो। सबका सारा का सारा ये सामान मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर आप निकाल सकते हो, और इसको भी अंदर से ऐसे साफ करेंगे। और ये भी अब साफ हो गया, इसको भी हम अब कर देंगे रिंस। क्या करेंगे? रिंस। ये भी रिंस हो गया, अब इसको भी मैं सूखने के लिए साइड पर रख दूंगा, इसके ऊपर ही ऐसे लगा कर रख देता हूँ।
और अब लास्ट में आ गया है जो ये लंबी वाली एकदम मज़ेदार है, इसके साथ खेलना मज़ा आ रहा है। छोटी सी है, नहीं लंबी वाली है, छोटा सा ऐसा ब्रश है आगे। अब इसे हम साफ करेंगे जो इसकी पाइप है, पाइप पाइप के अंदर मैं जो सोपी वाटर है पहले वो थोड़ा सा भर लेता हूँ, इधर से ऐसे पकड़ के रखता हूँ और इसको अंदर ऐसे साफ कर, ऐसे हम अंदर से ऐसे गुजारेंगे। जैसे जैसे आगे जा रही है वो खुद ब खुद अपनी शेप लेती जा रही है। पहले पूरा अंदर घुसा देंगे, थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, ऐसे रेजिस्टेंस बन रही है। पूरा को पूरा लास्ट में पहुंचाना मुश्किल है, बट जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सा करोगे ना, दम लगाओगे, लास्ट तक पहुंच जाएगा। ज़रूरी भी नहीं पूरा का पूरा आपने एंड तक पहुंचाना है, पहले यहां तक साफ़ कर लो फिर उधर से इधर तक साफ़ कर लो। बट हम हैं खतरों के खिलाड़ी, हम लेंगे पंगे। और जैसे कि मेरे को डर था, कंपनी ने ये बनाई भी नहीं पूरी की पूरी पाइप साफ करने के लिए एक एक बार में, तो आधी यहाँ तक पहले क्लीन करेंगे, आधी फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लीन करेंगे। अब इसको दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा सोप डाल लेता हूँ मैं, इसके अंदर सोप चला गया और अब इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया है पूरा एंड तक लेके तो चला गया, बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे ही आ रहा है बट बाहर नहीं आ रही है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे साफ, फंसी गई और ये देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको दम लगा के खींच रहा हूँ, स्प्रिंग खराब तो नहीं हो रहा बट वापस इसको मैं खींच पाया और ये यहाँ तक क्लीन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर से रहता था, अब इधर से हम ब्रश को डाल के थोड़ा सा इस तरफ से साफ कर देंगे। और ये हो गया साफ। अब इसको हम करेंगे प्रॉपरली रिंस। अब इसको रिंस करने के लिए मुश्किल काम है, इसको कैसे इसके अंदर पानी डालें, तो मैं क्या करूंगा, मैं जग लूंगा, जग के अंदर ये पूरी की पूरी ट्यूब डाल दूंगा ऐसे करके, जितना भी पानी अंदर जाना है आप खुद ही चला जाएगा। बबल्स आ रहे हैं, जाता हुआ दिख रहा है पानी। अब बाहर निकालूंगा, बाहर निकाल के सिर्फ ऐसी पाइप को ऐसा सीधा करूंगा और ये अपने आप ही रिंस हो गई। एक बार दोबारा से इसको पानी में डाल के रिंस करूंगा। पानी चला गया अंदर और दोबारा से निकाल के अब लास्ट टाइम इसको अब रिंस करूंगा पानी के साथ। ये निकल गया सारा पानी। सो दोस्तों ये था तरीका कैसे आप अपने हाइड्रेशन ब्लैडर को घर पे क्लीन कर सकते हो, और आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। और काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा एक अलग से किट आती है जो आपके हाइड्रेशन ब्लैडर को क्लीन कर सकती है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइक्लिंग, बाय बाय।